नमस्कार दोस्तों, प्लम्बर पांडे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए ये हैंडपम्प में डोलची में वाशर कैसे लगाते हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बनते हैं कि देखते हैं कि डोलची में वाशर किस तरीके से लगाई जाती है। ये सब दिखाना हमें आपको पूरा डोलची रिपेयर सीखने के लिए ये वीडियो पूरी देखना, और अगर अच्छी लगे तो लाइक, और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना दोस्तों। तो चलिए अब हम दिखाने जा रहे हैं, ये हमारे डोलची में छनी फंसा रखी है हमने। छनी फंसा के अब इसे हमने खोल दिया है रेंच की मदद से। इस तरीके से घुमाएंगे अपनी तरफ, ठीक घड़ी से उल्टी तरफ, घड़ी की जैसे चलती है उससे ठीक उल्टी तरफ। ये देखिए इस तरीके से खुल के आता है ये। थोड़ा अगर दिक्कत हो तो छनिया थोड़े से टकाना भी पड़ता है, जंग लगी रहती है, इसे खुलता नहीं है। ये देखिए चमड़े की वाशर ऐसी हो चुकी है, ये एक साल हो गया कम से कम इस वाशर को। एक साल होने के बाद ये कंडीशन हुई। अब हम ये नहीं लगा के दिखाएंगे आपको। देखिए ये टिकड़ी है इसकी, डोलची के अंदर ये टिकड़ी होती है दोस्तों, वाइट होती है, इसी की मदद से पानी ऊपर को आता है। ये देखिए ये वाइट है। अब इस वाइट को इसके अंदर फंसाएंगे और बाहर से हम ये वाशर ऊपर की तरफ करके लगा देंगे और इसका ये कस देंगे। अब ये दोस्तों कभी कभी फंसता है ये, अभी थोड़ा इतना एडजस्ट नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा इसे अभी खोल के दिखाएंगे हम आपको। इसे थोड़ा अगर तुरंत में लगाना हो तो थोड़ी दिक्कत होती है प्लम्बर भाइयों को, या आप अपने आप घर में रिपेयर कर रहे हो। ये देखिए इस तरीके से करिएगा। ये देखिए इस तरीके से हेक्सा ब्लेड है, ये आरी का ब्लेड है, वो जो पाइप काटने का ब्लेड होता है वो है ये। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा सा करना है, थोड़ी सी इसकी जो लेवलिंग होती है वो थोड़ा ज़्यादा ओवर रहती, थोड़ा सा सेट आ जाएगा तो ये आ जाएगा इसमें। फिर हम इसे डोलचे में कसेंगे। अभी ये देखिए इस तरीके से फंस जाता है, थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हाथ से हो जाता है। अब हम इसे डोलचे में लगाएंगे। ये देखिए कड़ा है, ये कड़े से फंस देंगे, डोलची का कड़ा है। ये देखिए ये इस तरीके से पहले हाथ से कर दिया टाइट, बाद में छेनी लगा के बीच में फंसा के डोलची में, और आगे से कड़े को कस देंगे ताकि वाशर अच्छे से टाइट रहे, ये खुले ना दोस्तों। इसे थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि ये जब ढीला रह जाता है तो हल्के से वाशर निकल जाती है, ये नीचे को छोड़ जाता है, कुछ देर बाद ये खुल जाता है ये, और ऊपर रॉड वाला नट ध्यान से कसना चाहिए। कभी भी जब आप लोग हैंडपम्प लगाओ तो इनको अच्छी तरीके से कस लेना, ज़्यादा भी ना होए दोस्तों, टूटने का थोड़ा खतरा रहता है, इंडक्शन का माल होता है। देखिए अब थोड़ा प्लास की मदद से इस वाशर को हम थोड़ा फुला देंगे, थोड़ा मतलब खोल देंगे इसे, बाहर को कर देंगे ताकि ग्लास में ये बढ़िया तरीके से बैठ जाए। पहले थोड़ा ग्लास से कमी रहता है ये साइज, तो जब हमें लगाना होता है या तो पानी में भिगा के कुछ देर बाद एक दो घंटे बाद रखना चाहिए, या तो फिर डायरेक्ट करो तो थोड़ा इसे फुलाना चाहिए। अपने टूल्स की मदद से फुलास है ये हमारा। ये देखिए इस तरह से कुछ फूलने के बाद हम आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको। ये नलका है हमारा, हमने नट खोल के इसे निकाल लिया था, अब हम इसमें रख के दिखाएंगे आपको। रखना है हमने हेडपम्प के ग्लास के ऊपर ये हत्ती है। ये देखिए अब इसमें चार नट लगाए जाएंगे, फिलहाल मैं दो लगा के दिखाऊंगा। ये दो नट लगने के बाद हम चला के दिखाते हैं आपको ना, अब चला के दिखाते हैं दोस्तों। वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छी लगे इस वीडियो को लाइक, और नए हो तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर देना ताकि नई नई नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से चार मिनट कसने के बाद अब हम आपको चला के दिखाएंगे। ये देखिए नट कस चुके हैं, अब देखिए चला रहे हैं दोस्तों। आज के लिए ये वीडियो, नहीं मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।